नमस्कार साथियों, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे सजेशंस मैं देने जा रहा हूं, उनको अपनाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी का वेट बढ़ जाएगा, आपकी गरिमा, आपका रिस्पेक्ट लोगों की नजरों में बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, वो आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी बातों को वजन देंगे। यूं भी मैं ये मानता हूं कि बातचीत की कला दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। आप जितने भी लोगों को जानते हैं, क्या आप सबके घर गए? क्या आप उनके इंटरनल हालात जानते हैं? क्या आप सबके बिजनेस के अंदरूनी हालात जानते हैं? उनकी बैलेंस शीट जानते हैं? नहीं जानते। उसके बावजूद आपके दिमाग में उनके लिए कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई राय होती है। भले ये बात शैलो लगे, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है, और लोग ये जो दिखने वाला, जो परसेप्शन वाला जो फैक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा वजन देते हैं, फट से सेकंडों में राय बना लेते हैं। तो आज जो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद लोग वही राय बनाएंगे जैसी राय आप उनके दिमाग में डालना चाहते हैं। ये जो आपके खड़े रहने का तरीका है ना, यदि कंधे झुके रहेंगे, बॉडी आगे झुकी रहेगी, नजरें नीची रहेगी, लोग हल्के मिलेंगे। लीडर कैसा होता है? जिसके पास बहुत पैसा, पावर, प्रसिद्धि होती, वो कैसा होता है? वो तन के चलता है, लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखता है। और ये छोटे छोटे सब कॉन्शियस सिग्नल हैं जो सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, लीडर्स वॉक टॉल। लीडर्स ऊंचे होके चलते हैं, तो कहीं भी कभी भी बहुत झुक के, बहुत मरे हुए से, मुर्दा से चलने से परहेज करें, और ऐसा चलें जैसे पूरी दुनिया की एनर्जी आपके अंदर है और पूरी दुनिया के साधन आपके पास। जब भी आप किसी से बात करें, नॉड लेस, यानी हर बात में हाँ 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 बिल्कुल सही, हाँ हाँ, ऐसा ना करें। अपने रिएक्शंस को थोड़ा होल्ड करें। ज्यादा नॉड करना, ज्यादा रिएक्ट करना सबऑर्डिनेट होने की निशानी है। ये निशानी है कि आपका हैंड बहुत लोअर है। जिसका अपर हैंड होता है वो सोच समझकर सहमति या असहमति दिखाता है। स्माइल लेस। आप अपने परिवार के बीच, अपने पापी दोस्तों के बीच कैसे भी रहें, कितना भी मुस्कुराएं, लेकिन जब एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं, चैनल पार्टनर्स के साथ हैं, कहीं ओपन ऑडियंस के साथ हैं, वहाँ ध्यान रखें बहुत ज़्यादा स्माइल और बहुत ज़्यादा नॉडिंग ना करें। क्योंकि जब आप दूसरों की हर बात से सहमत होते हैं, ऐसा लगता है आपकी कोई राय ही नहीं है। अधिकांश लोग ये मूर्खता करते दिखाते हम ज़्यादा डिसीजन में करें, हम तुरंत यस और नो करते हैं। तुरंत यस और नो करने में चूक होने के भी चांस हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप हड़बड़ियाँ हैं, ये मैसेज दूसरे के दिमाग में जाता है। जो असली पावरफुल लोग होते हैं वो तुरंत राय नहीं देते, वो बोलते हैं मैं इसमें थोड़ा सोच के बताऊँगा, लेट मी गिव इट अ थॉट, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी बहुत क्लियर नहीं हूँ, मुझे इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इससे एक चीज समझ आती है कि आप पपेट नहीं हैं। सामने वाला भले बोल भी रहा है, आपकी राय क्या है? आप यस में हैं कि नो में? आप अपनी ओपिनियन को होल्ड कर लीजिए। यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, बी ओके विथ साइलेंस। कभी मौन भी लेना पड़े तो जैसे शून्य में देख रहे हैं, देखते हुए कुछ सोच रहे हैं और मौन है, और सामने वाला कह रहे तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन इट, आई एम पॉन्डरिंग। तो आप जब डीप थॉट देते हैं या डीप थॉट देने का एक्ट भी करते हैं, माफ कीजिएगा, तो भी सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है, यार इस व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलाया जा सकता। और यदि आप थोड़ी देर वक्त लेकर अपनी राय देते हैं, आपकी राय तुरंत दूसरों की नजरों में वजनी हो जाती। मैं ये तो नहीं कहता कि भगवान की देवी कदकाठी या रंग आप पूरा बदल लेंगे, लेकिन काम करके अपने आप को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। आपके बाल हैं, हेयर कट परफेक्ट रखिए, लेटेस्ट रखिए। आपकी स्माइल है, दांत टेढ़े मेढ़े हो तो उन पर जरा काम करा लीजिए। आपकी कद काठी कैसी है? यदि बहुत एक्स्ट्रा वेट है तो वर्क करके रिड्यूस करिए, फिट नजर आइए। ये दाढ़ी, ये चेहरा, ये स्किन, इन सब पर थोड़ा काम करके
फिजिकली अट्रैक्टिव नजर आइए। कड़वा सच ये है कि अधिकांश लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि आपकी चमड़ी को पार करके आपके दिल में झांकें या आपके दिमाग में झांकें। वो हर पल हर क्षण जजमेंट लेने के लिए बैठे हैं और सेकेंडों में जजमेंट लेते हैं, और कभी कभार इसी प्राइमरी जजमेंट के गलत हो जाने की वजह से दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अपने फिजिकल लुक्स पर काम करिए, क्योंकि अस्त व्यस्त रहने की वजह से, लापरवाह रहने की वजह से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट भी सकती है। जो बहुत हड़बड़ाते हैं, जो अपनी बातचीत में हड़बड़ाते हैं, जिनके पर मिनट वर्ड्स का रेट बहुत हाई है, जिनके हाथ बहुत जल्दी जल्दी हिलते हैं, जिनके पैर बहुत जल्दी जल्दी हिलते हैं, जो इधर उधर भागम भागी करते हुए नजर आते हैं, लोग उनको लाइटली लेते हैं। क्योंकि ऐसा कौन करता है? जब बॉस अराउंड रहते हैं या कोई पावरफुल व्यक्ति अराउंड रहता है तो चारों ओर लोग भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो आप यदि भागा दौड़ी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सबऑर्डिनेट वाली श्रेणी में जा रहे हैं। लेकिन यदि आप स्लो मूव करते हैं, कंट्रोल्ड मूव करते हैं, तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को यह एहसास जाता है दैट यू आर कंफर्टेबल एंड यू हैव फेथ इन योर सेल्फ। और जो बहुत रश करते हैं, ऐसा लगता है उनको कहीं तुरंत किसी को पहुंच के फीडबैक देना है या जवाब देना है। तो वजनी आदमी बनने के लिए स्लो चलिए, अपनी स्पीड से चलिए, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान मत हो, ये अंदर से हो भी तो बाहर से मत दिखाइए। कोई भी चर्चा जब चल रही हो और आपको लग रहा है कि सामने वाले की ओपिनियन आपसे मैच नहीं करती, या उसकी ओपिनियन लिटिल इमैच्योर है या चाइल्डिश है, तो ध्यान रखिए ये आपका पर्सपेक्टिव। जो सामने वाला कह रहा है उसको लग रहा है मैं दुनिया की सबसे अच्छी बात बोल रहा हूँ और मेरे से अच्छा लॉजिक किसी का है ही नहीं, तो उसको तुरंत गलत सिद्ध करने की होड़ में मत लगिए, उसको हराने की होड़ में मत लगिए। क्योंकि उसकी बात को जैसे ही आप गलत सिद्ध करेंगे, एक्चुअली आप उस व्यक्ति को हार जाएंगे। आप उस पर कमेंट करने की बजाय ये कहिए मेरा सोचना ये है, आप ये मत कहिए आप गलत हैं, आप कहिए मेरा सोचना ये है। आप शायद कहेंगे इन माई ओपिनियन, आप शायद कहेंगे मुझे ऐसा लगता है, आप शायद कहेंगे मुझे अपने अनुभव से ऐसा समझ आता है। आप सामने वाले को गलत नहीं कहेंगे, आप अपनी राय रखेंगे, भले ही वो राय उससे 100% विपरीत हो, तो भी आप सामने वाले को गलत कहने से परहेज करते हुए अपनी राय रख देंगे। हो सकता है आपकी राय स्वीकार हो जाए, आप बड़े हो जाएं, लेकिन सामने वाला उससे छोटा नहीं होगा, ऑफेंडेड महसूस नहीं करेगा, उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड नहीं होगा और आप उसकी बैड बुक्स में नहीं जाएंगे। एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको सेल्स में, परसुएशन में, नेगोशिएशन में, दुनिया में किसी भी किस्म के B2B में, B2C में, किसी भी किस्म के करियर में रिजल्ट्स लाने, तो अपनी बातचीत की कला पर काम कीजिए और उज्जवल पाटनी YouTube चैनल की कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट अपने आप में महाग्रंथ की तरह है, जो आपकी बातचीत को कई गुना इंप्रूव कर सकती है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।